नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। आपको पता है आप डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, सीडी ड्राइव में और तरह तरह की चीज़ों में स्टोर करते हैं आप डेटा। कई लोग डेटा स्टोर करते हैं फ्लॉपी डिस्क में। आज भी मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो अपने पुराने कंप्यूटर को संजो कर रखे हुए हैं और सारे डेटा जो कि कितने MB की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी उसमें डेटा स्टोर करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ जरा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ज़रा फ्लॉपी डिस्क से आगे बढ़ो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं पुरानी यादें हैं। ठीक है, खैर पुरानी यादें संजो कर रखना अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी बहुत अच्छी बात है और बहुत होना भी चाहिए। अभी इतना आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी कि DNA के अंदर डेटा स्टोरेज पॉसिबल हो गया है। जी हाँ, आपको पता है इंसानी शरीर के अंदर DNA होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बहुत सूक्ष्म होती है और इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके कान कैसे होंगे, आँख कैसी होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी लंबाई कैसी होगी, आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स अगर गोरे हैं, अगर आपके मम्मी पापा गोरे हैं, तो बच्चा भी गोरा ही होगा क्योंकि उनके DNA में ऐसा कोड है, जेनेटिक कोड है। हाइट भी ज़्यादा होगी, अगर माँ बाप ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पर उनका कलर थोड़ा सा ब्लैक है और उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो बच्चे भी ऑब्वियसली छोटे ही होंगे, राइट? तो उनके जेनेटिक कोड में वो है, डेटा है। डेटा कोई भी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो हम ये डेटा जाता है, ये हम जानते हैं कि 0101 बाइनरीज के फॉर्म में जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ डेवलप की जाए कि इन बाइनरी कोड्स को जेनेटिक कोड्स में बदल दिया जाए और इनको DNA में स्टोर कर दिया जाए, राइट? ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया, वैसे हो गया है, तो अगर ये आगे चीज़ और इवॉल्व हुई तो एक चीनी के दाने के बराबर DNA में, चीनी का दाना कितना छोटा है, उसमें दुनिया भर की अब तक की जितनी भी फिल्में लॉन्च हुई हैं वो सारी स्टोर हो सकती हैं। तो ज़रा सोचो कि एक पेन ड्राइव की साइज़ का अगर कोई डिवाइस बन जाए DNA वाला, तो उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकेगा। जितने भी डेटा सेंटर्स हैं गूगल के, वो एक मुट्ठी भर इतने बड़े या इतने बड़े में एक घर के एक कमरे के उसमें आ जाएंगे, जो कितने एकड़ में फैले हुए हैं, क्या क्या हो सकता है। इसका सफल परीक्षण हो गया। जैसे कि आपको पता है, जब कोई नई इन्वेंशन होती है वो छोटे दौर से होती है, जब बल्ब, ट्यूबलाइट इन सब का आविष्कार हो रहे थे, एक फिलामेंट वाला एक बहुत ही नॉर्मल जैसे बल्ब से शुरुआत हुई थी। और आज देख लो LED बल्ब, ये कितनी, हालांकि अलग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन देखिए रोशनी फैलाने के लिए कितने बड़े बड़े डिवाइस आ गए। यहाँ पर जो पहली पिक्चर बनी थी, जो पहली फिल्म बनी थी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो पहली फिल्म बनी थी, चलचित्र जो सबसे पहले बना था वीडियो, उसमें हॉर्स राइडिंग का एक सीन था जिसमें जो हीरो था वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। उसके कुछ फ्रेम्स को लिया गया और जो जीनोम है, बैक्टीरिया के जो जीनोम है, उसमें उसको कोड कर दिया गया। मतलब जेनेटिक जो कोड होते हैं, जो जेनेटिक इंटरफेरेंस होता है, वो अलग कोड पर काम करते हैं, AZE, राइट? और जो हमारी डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होती है वो 1010 पर काम करती है। तो इन 1010 कोड को चेंज करके AZE के फॉर्मेट में किया गया, क्योंकि आपको पता है बाइनरी के कॉम्बिनेशन से डेटा बनता है। ऐसे ही जेनेटिक में यहां पर बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। AZE के कॉम्बिनेशन से कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा हूं मैं, कि बाल कैसे होंगे, आंख कैसे होंगी, हाइट कैसी होगी, वो जेनेटिक कोड में स्टोर होते हैं, राइट? तो जेनेटिक कोड में इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक में DNA में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो डेटा को स्टोर कर सकती है। और जैसे कि हम जानते हैं डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो डिजिटल डेटा भी DNA में स्टोर किया जा सकता है। हालांकि इसमें 3-4 फ्रेम ही डाले गए हैं जिससे एक वीडियो प्ले हो रही थी, डेटा को डाला और सक्सेसफुली बाद में उससे डेटा रिकवर भी कर लिया गया। मतलब उसमें डेटा होल्डिंग कैपेसिटी है और वो बहुत छोटे से ट्राई किया गया। इसको अगर बड़ा बना दिया जाए बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये है आने वाला फ्यूचर। अब ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, अरे विजेंदर क्या हाल है भाई, मैंने तेरी बॉडी के अंदर कल 4 फिल्में लोड की थी, तू आया नहीं, हम देख नहीं पाए। ऐसा भी हो जाएगा। तो ये नई चीज है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ज्यादा बातें नहीं हो रही है इसके बारे में, लेकिन हमें बातें करनी चाहिए इस चीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा और इस कंसेप्ट से आप क्या करोगे अगर फ्यूचर में आ गया, तो कमेंट में लिख के बताइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, सीखते रहिए एंड गुड बाय।